और एक बेहद अहम और बड़ी खबर है इस वक्त की। मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। जब दिल्ली से वो रुड़की आ रहे थे, डिवाइडर से उनकी कार टकरा गई है। सुबह 5:15 से 5:30 बजे के बीच हादसा हुआ और ऐसे में गंभीर चोटें उन्हें आई है। उनके पैर में, पीठ पर, सिर पर गंभीर चोट आई है। हालांकि रुड़की में उनका फर्स्ट एड हुआ है, प्राथमिक उपचार, और उसके बाद देहरादून उन्हें रेफर किया गया। देहरादून के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, MRI उनका करवाया गया है, ICU में अब उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन एक बेहद अहम और बड़ी खबर ऋषभ पंत से जुड़ी हुई इस वक्त की ये कि फिलहाल वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन ICU में उनका उपचार चल रहा है। ऐसे में जबकि एक बेहद गंभीर सड़क हादसा हुआ है, उनके सर पर चोट आई है, पीठ पर, पैर पर, एंकल, टो पर, कई जगह उनके चोट के निशान देखे जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी आज सुबह डिवाइडर से टकराई है, उसके बाद धू धू कर जल उठी, यानी आग की लपटों में घिर गई। और जैसे तैसे ऋषभ पंत ने शीशा तोड़कर गाड़ी से बाहर कूदकर अपनी जान बचाई है। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने News18 से बातचीत भी की है। लेकिन ये बेहद अहम खबर कि ऋषभ पंत की हालत स्थिर बनी हुई है और देहरादून में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह की हादसे की तस्वीरें सामने आ रही है वो बेहद खौफनाक है। जिस तरह से गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद में धू धू कर जल उठी थी, ऐसे में इस गाड़ी के परखच्चे उड़े नजर आ रहे हैं। गाड़ी जलकर पूरी तरह से राख हो गई। लेकिन ऋषभ पंत के चाहने वालों की दुआओं का ही कमाल है कि ऋषभ पंत अभी भी ठीक है, अस्पताल में उपचार चल रहा है उनका, खतरे से बाहर वो बताए जा रहे हैं। कई टेस्ट उनके हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि कुछ टेस्ट अभी आगे और कराने हैं। देहरादून के ICU में एडमिट उन्हें करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है, और देश भर से उनकी सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही है। नौ सेकंड के CCTV वीडियो में जो देखा उसे देखकर समझ में आ रहा है कि ये सड़क हादसा कितना भयानक था। देखिए, हेडलाइट की तेज रोशनी के साथ मर्सिडीज कार सड़क पर आती दिखती है और फिर अचानक से उसका लेन बदलता है और कार बेकाबू होकर डिवाइडर को तोड़ती हुई पलट जाती है। सड़क पर जैसे ही कार पलटी, घर्षण से तेज चिंगारी उठी और फिर इसी के बाद कार आग की लपटों में घिर गई। मैंने आवाज आई जोर से, फिर उसके बाद जैसे मैं बाहर निकला तो गाड़ी में आग लगी हुई थी। अच्छा। तब तक मैं वहाँ पे पहुँचा गाड़ी के पास, एक गाड़ी और रोडवेज थी हरियाणा की, वो भी रुकी थी। दो बंदे बाइक वाले थे, फिर काफी हो गए थे, तब उन्होंने निकाल लिया गाड़ी, शीशा तोड़ के उनको। हादसे का शिकार हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार रेलिंग से टकराकर पलटी। आग की लपटों ने इसी वक्त कार को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद कार सड़क पर धू धू कर जलने लगी। कार के अंदर क्रिकेटर ऋषभ पंत अकेले थे, लेकिन आग की लपटों के बीच से उन्हें निकालना आसान नहीं था, लिहाजा लोगों ने कार की खिड़की का शीशा तोड़कर किसी तरह ऋषभ पंत को बाहर निकाला। तब हमने फिर इंतजार नहीं किया, तुरंत हम सिविल हॉस्पिटल गए, वहां से एम्बुलेंस, उन्होंने कहा ठीक है, एम्बुलेंस आई और मुश्किल से मैं तो उनके पास 25-30 सेकंड रुका होगा, तुरंत उनको एम्बुलेंस में बिठाया और उनको रुड़की के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि ऋषभ पंत की कार करीब 100 मीटर तक बिना बैलेंस के चलती रही। इस दौरान दो बार कार की डिवाइडर से टक्कर हुई। इसके बाद कार दूसरी लेन पर जाकर पलट गई और फिर कार को आग के लपटों ने घेर लिया। जिस कार से ऋषभ पंत दिल्ली से रोड की जा रहे थे, ये उसी कार की तस्वीर है। लेकिन हादसे के बाद इस कार की हालत क्या हुई है, अब वो देखिए। पर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ था, ये वो स्पॉट है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जली हुई जो सड़क का, ये जो ऊपर आपको सामान दिख रहा है, उनकी गाड़ी का जला हुआ राख नजर आ रही है। ठीक इसी पॉइंट पर आके ऋषभ पंत की गाड़ी जो है वो जल जल कर, जो धू धू करके उसकी गाड़ी जली है, राख हुई है। ये वही स्पॉट है, देखिए आप, यहाँ पर अभी पूरा सफाई का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे है, ये देहरादून से दिल्ली तरफ जाने वाला रास्ता। आप देखें किस, सबसे अच्छी बात यह है कि इस भयानक हादसे में ऋषभ पंत को ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं। ऋषभ पंत की हालत पूरी तरह से स्थिर है। अस्पताल में भर्ती अपने बेटे को देखने के लिए ऋषभ पंत की मां पहुंची तो उनके चेहरे पर चिंता भी दिखी और बेटे के सकुशल होने का सुकून भी नजर आया। ऋषभ